दोस्तों, सिंधिया को मंत्री नहीं बना रहे हैं पीएम मोदी। सिंधिया ने एमपी की सरकार गिराई, भाजपा ने सरकार बनाने में सफलता अर्जित की। सिंधिया को लगा इसके पुरस्कार स्वरूप भाजपा नेता उन्हें सर आंखों पर बैठाएंगे। बैठाना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा काम ही उन्होंने किया था। मगर ऐसा न होता देख शायद सिंधिया छले हुए महसूस करने लगे हैं। सिंधिया समर्थक खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से मुलाकात की और कहा सिंधिया को केंद्र में मंत्री बनाया जाए। पूर्व मंत्री इमरती देवी ने बीडी शर्मा के साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात की। इसके साथ ही सिंधिया समर्थक महेंद्र सिंह सिसोदिया, रघुराज सिंह कंसाना और एंदल सिंह कंसाना ने भी बीडी शर्मा से मुलाकात की। अगर पीएम मोदी और अमित शाह के लिए सिंधिया इतने महत्वपूर्ण होते तो फिर उन्हें यह दबाव बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ने लगी? यह बहुत बड़ा सवाल उभर कर सामने आ रहा है। केंद्र में मंत्री बनने के लिए मध्य प्रदेश के भाजपा प्रदेशाध्यक्ष से सिंधिया के आधा दर्जन नेताओं की मुलाकात क्या दबाव बना पाएगी? क्या बीडी शर्मा सिंधिया समर्थकों की आवाज ऊपर तक पहुंचाने में सक्षम है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि भाजपा अब वैसी पार्टी नहीं रही जहां संगठन की सुनी जाए और निर्णय लिए जाए। अब तो सीधे ऊपर से निर्णय आते हैं। सिंधिया समर्थकों का दबाव बनाना यह भी दर्शाता है कि भाजपा के केंद्रीय नेता उन्हें महत्व नहीं दे रहे हैं। अगर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व या केंद्रीय नेता सिंधिया को महत्व देते होते तो उन्हें दबाव बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ती? वैसे लोगों की राय क्या है, मैं यहां बताने के पहले यह बताना चाहता हूं कि बड़े लोग या बड़ा पद पाने के बाद लोगों की राय जानना कोई नहीं चाहता। सिर्फ अपने मन की भड़ास या अपने मन की बात लोगों पर थोपना चाहते हैं। फिर भी सिंधिया के लिए लोगों की राय यह थी कि उन्हें भाजपा में शामिल होने के बजाय अपनी एक अलग पार्टी बनाना चाहिए था। दूसरा, अलग पार्टी या भाजपा ज्वाइन के साथ सीएम पद उन्हें खुद लेना चाहिए था। तीसरी राय, अगर केंद्र में भी मंत्री पद लेना था तो तत्काल, उन्हें देर नहीं करनी थी। यह तीनों निर्णय नहीं लिए हैं सिंधिया ने। हो सकता है उनके राजनीतिक भविष्य पर यह न लिए गए निर्णय भारी पड़े। देखना होगा सिंधिया समर्थकों के दबाव से पीएम मोदी कब तक उन्हें मंत्री बनाते हैं। मध्य प्रदेश का विकास तीव्र गति से होगा, जैसे अभी एमपी के केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं। मैं रम्मू सिंह। मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।